नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं रात की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, ये बड़ी खबर। मुख्य आरोपी शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को धर दबोचा गया, गिरफ्तारी हो गई है। इसके साथ ही एक और आरोपी को पकड़ा गया जो इनका मददगार रहा है। राजस्थान पुलिस की एसआईटी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, चंडीगढ़ से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के सहयोग से एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस और राजस्थान एसआईटी का जॉइंट ऑपरेशन, ये बड़ी कामयाबी। तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, रोहित राठौड़ जो मुख्य आरोपी जिसको शूटर बताया जा रहा है, नितिन फौजी, इन दोनों को ही धर दबोचा गया चंडीगढ़ से। इसके साथ में एक और आरोपी है जिसको पकड़ा गया है, उसके बारे में जानकारी ये कि वो शख्स इन दोनों का मददगार रहा है। राजस्थान पुलिस की एसआईटी को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, चंडीगढ़ से गिरफ्तारी। आरोपी नितिन फौजी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी है शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की करते हैं। साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम को कालेधन का ऐसा पहाड़ मिला है कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा है, क्योंकि कोई इसे जनता से लूटी कमाई बता रहा है तो कोई इसे वोटर को मैनेज करने का जरिया बता रहा है, और इसीलिए हमने लिख दिया है नोट में ही वोट। क्या ये कालेधन पर ही सबसे बड़ी चोट है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोटों से भरे बैग, 300 करोड़ कैश, काली कमाई पर नेताजी की ऐश। 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है। थैले कम पड़ जाएं, बोरियां कम पड़ जाएं, मशीनें टूट जाएं, लोग थक जाएं, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। अलमारी में खजाना, धीरज साहू का कहां कहां ठिकाना। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड, टीवी पर पहली बार नोटों की परेड। कांग्रेस की ये मोहब्बत की दुकान से ये भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइज आज सामने दिख रही है। धीरज साहू का महादेव कनेक्शन, करप्शन पर कांग्रेस की बड़ी टेंशन। चाहे वो महादेव बेटिंग ऐप का लूट हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? नोट गिनते गिनते थक गई मशीन, अभी बाकी है क्लाइमैक्स सीन। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। कांग्रेस सांसद की कालाबाजारी, नोटों से भरी मिली अलमारी। करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहने हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। नोट में ही वोट है, काले धन पर सबसे बड़ी चोट है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद संपत्ति का आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो कर लीजिए, क्योंकि ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 4 दिन से नोटों की गिनती लगातार जारी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि इनकम टैक्स की टीम को जितने नोटों के पैकेट मिले हैं उसमें से अभी आधों की ही गिनती हो पाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस सांसद ने 5 साल पहले हलफनामे में अपनी दौलत 34 करोड़ बताई हो, उसके पास 300 करोड़ से ज्यादा का काला धन कहां से आ गया? बोरे में नोट,
बैग में नोट, अलमारी में नोट, दीवार में नोट, लॉकर में नोट, 500 के नोट, 200 के नोट, 100-100 के नोट, जहां तक नजर जाएगी वहां तक नोट ही नोट। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे। ये काले धन का वो पहाड़ है जिसकी गिनती पिछले 4 दिन से जारी है लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यकीन मानिए, नोट गिनने वाली मशीनों ने भी जवाब दे दिया है कि हमसे ना हो पाएगा। दिन बदल रहा है, नंबर बदल रहे हैं लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता कि नोट बरामदगी का ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, क्योंकि पहले दिन खबर आई कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से इनकम टैक्स की रेड में करीब 100 करोड़ रुपए मिले। दूसरे दिन ये आंकड़ा बढ़कर 150 करोड़ तक पहुंचा। तीसरे दिन 200 करोड़ और अब चौथे दिन गिनती 300 करोड़ तक पहुंच गई है लेकिन नोटों की गिनती अभी तक जारी है। अभी तक जो नकदी बरामद की गई है वो 300 करोड़ के करीब है, मगर ये आंकड़ा और भी हैरत अंगेज तरीके से बढ़ सकता है और उसकी वजह ये है कि अभी कम से कम 9-10 कमरे हैं, कभी करीब 8-9 लॉकर हैं जिनको कि अभी खोलना और खंगालना बाकी है और ये माना जा रहा है कि इसमें और भी ज़्यादा मात्रा में नकदी मिल सकती है जिस तरह से मनी ट्रेल मिल रही है। और जो धनराशि सामने आ रही है वो बता रही है कि काले धन का कितना बड़ा कुचक्र इन तमाम दीवारों के इर्द गिर्द दफन था और ये छानबीन अभी भी जारी है। धीरज साहू के कुबेर लोक का पता लगाने के लिए दर्जनों इनकम टैक्स की टीम लगी है। जिन राज्यों में छापेमारी हो रही है उनमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है, जिनमें ओडिशा के बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, टिटलागढ़, बौद्ध, राउरकेला और भुवनेश्वर से बड़े पैमाने पर नोट बरामद किए गए हैं, जबकि झारखंड के बोकारो, रांची और लोहरदगा में भी काला खजाना मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी छापेमारी जारी है। ये बताने के लिए काफी है कि नोटों की गिनती इतने भर से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि अभी लॉकर में मिली ज्वेलरी और तमाम गोल्ड बॉन्ड की कीमत लगाया जाना बाकी है। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये राजनीतिक इतिहास में किसी नेता के घर पर हुई अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है, क्योंकि इसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों के इस पहाड़ को लेकर पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया है और यहाँ तक कह दिया है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहाँ कहाँ काली कमाई और कहाँ कहाँ नोट की छपाई ये कर रखी है। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी, अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। मोहब्बत की दुकान पर राहुल गांधी की ये करप्शन का कैसा कारोबार चल रहा है, तो ये किसको लूट कर पैसा भरा गया है, कांग्रेस का ये नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी जो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अब तक चुप्पी साध कर क्यों बैठी है। उधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पार्टी ये कहते हुए धीरज साहू का बचाव कर रही है कि वो उद्योगपति हैं, पैसा उनके पास नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा।
जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो व्यवसाय जो करेंगे उसके अंदर उनका जो व्यवसाय है सच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। कांग्रेस के लीडर के घर में ही क्यों छापा पड़ रहा है, चाहे ईडी का हो या इनकम टैक्स का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिजनेस का इतना पैसा कैश में कौन रखता है, जब छोटे छोटे व्यापारी और रेड़ी पटरी वाले तक डिजिटल मोड में आ चुके हैं। तब कांग्रेस के एक सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिले तो सवाल लाजमी है। सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट 300 करोड़ हो चुका है। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। दो बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफ़ी नज़दीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 350-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि कहीं इस पैसे का महादेव ऐप से कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं ये पैसा हाल में हुए विधानसभा चुनाव में वोट को मैनेज करने के लिए तो नहीं था। ये वो सवाल है जिसे लेकर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलभैया डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपये तक जाएगा। कि जो लूट का पैसा मिल रहा है, किसका एटीएम था? कांग्रेस के आला कमान में ये कांग्रेस का नेता, चाहे वो महादेव बेटिंग ऐप का लूट हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, और अब कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए बरामद होना, तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। वैसे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि जिस सांसद ने 5 साल पहले चुनाव लड़ते वक्त अपने हलफनामे में अपने पास सिर्फ 27 लाख की नकदी बताई हो, उसके पास 300 करोड़ का कैश कहां से आया। ये वही हलफनामा है जो 2018 में धीरज साहू ने दाखिल किया था। इसमें धीरज साहू ने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी, जिसमें उनकी चल संपत्ति 2 करोड़ 4 लाख रुपए की थी। धीरज साहू के पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्चूनर, एक BMW। हलफनामे के मुताबिक धीरज साहू पर 2 करोड़ 36 लाख की देनदारी यानी उधारी भी थी। तो क्या उस वक्त धीरज साहू ने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था? और अगर नहीं बोला तो ऐसा कौन सा पैसों का पेड़ धीरज साहू के हाथ लग गया जिसने उनकी संपत्ति को महज 5 साल में 10 से 20 गुना बढ़ा दिया? क्योंकि बात सिर्फ इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद 300 करोड़ रुपए के कैश की नहीं है, उस बेनामी संपत्ति की भी है जो अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे लॉकर हैं जिनकी गिनती बाकी है। धीरज साहू के ठिकानों से मिले काले धन को लेकर बीजेपी हमलावर है, वो कांग्रेस पर हर मोर्चे से अटैक कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि अपने नेता को डिफेंड आखिर करे तो करे कैसे, क्योंकि पहले कांग्रेस ये कहकर ईडी या इनकम टैक्स के रेट का विरोध कर देती थी कि ये सब उनके नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन धीरज साहू ने कांग्रेस को करप्शन के मोर्चे पर बुरी तरीके से उलझा दिया।
कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। धीरज साहू के नाम से कांग्रेस जितना बचने की कोशिश कर रही है उतना ही उलझती जा रही है। इस वक्त कोई ऐसा शहर नहीं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ना खोल रखा हो। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, देश के लुटेरे कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, राहुल गांधी मुर्दाबाद। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और गिनते गिनते आईटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थक गए और अभी तक जारी है। कांग्रेस पार्टी का परिचय का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। बलदेव सिंह साहू, इनका लीकर का बिजनेस, उनके भाई धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस के तीन टर्म के एमपी, राज्यसभा के एमपी, इनके अलग अलग स्थानों पर जब जांच की तो सामने आया हर गोडाउन में भरा हुआ है नोटों की गठरियां। और हम तो मांग करते हैं कि कांग्रेस ने नोटबंदी का विरोध किया लेकिन अपने काले करतूतों से पूरी नोट की गठरियां बांधकर अपने गोडाउन में रखते हैं। ऐसे कांग्रेस को जो नोटबंदी का विरोध करती है उसको गांवबंदी किया जाए, शहरबंदी किया जाए। मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां काला धन होगा वहां वहां प्रहार होगा। बीजेपी धीरज साहू के घर से मिली बेनामी संपत्ति को काले धन से जोड़ रही है और इनकम टैक्स की छापेमारी को काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी चोट बता रही है। क्योंकि अब तक कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये कहते हुए सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते थे कि ईडी और इनकम टैक्स की जांच सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है, लेकिन जिस तरह से धीरज साहू के घर ये कुबेर का खजाना मिला है उससे कांग्रेस खुद सवालों के चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। सवाल नंबर एक, धीरज साहू के पास इतनी दौलत है क्या इसका अंदाजा कांग्रेस को पहले से नहीं था? सवाल नंबर दो, क्या धीरज साहू जैसे खिलाड़ी इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में वोट को मैनेज करने के लिए करते हैं? सवाल नंबर तीन, धीरज साहू के घर से मिले इस खजाने में क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का भी हिस्सा है? दरअसल 2024 के आखिर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक भी गलती झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। और ये बात बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में साफ भी कर दी है, जहां हर कोई भूपेश बघेल को मजबूत मानकर चल रहा था, वहां बीजेपी ने उन्हें महादेव ऐप के ऐसे चक्रव्यूह में उलझाया कि बघेल का नाम तो खराब हुआ ही, सरकार भी चली गई। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या, उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। दरअसल अब तक जितनी भी बड़ी नकदी इनकम टैक्स या ईडी की छापेमारी में बरामद हुई है उसमें अब तक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन की बात ही होती रही है। ऐसा उस वक्त हुआ था जब दिसंबर 2021 में यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में ईडी को काले धन का पूरा साम्राज्य मिला था। तब बीजेपी ने पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो पीयूष जैन को जानती तक नहीं है। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी ये साबित कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। अब बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने का वैलिड पॉइंट है, क्योंकि धीरज साहू न सिर्फ तीन बार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं बल्कि उनके बड़े भाई शिव प्रताप साहू भी कांग्रेस से दो बार सांसद रह चुके हैं। ये कांग्रेस पर ठप्पे की तरह लगा हुआ है जिसे वो चाह कर भी हटा नहीं पाएगी।